दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में हम बात करें कर्नाटक के दूसरे युद्ध की। कर्नाटक का जो दूसरा युद्ध होता है स्पेशली उसे अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में लड़ा जाता है, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी कहानी समझेंगे अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में आते कैसे हैं, मतलब ऐसे कौन सी सिचुएशन बनती है, वो किसका सपोर्ट करते हैं। ये जो होते हैं डायरेक्ट इंटरेक्ट नहीं करते, लेकिन ये भारत में ही एक एक राजाओं का सपोर्ट करते हैं और अलग अलग पार्टी के सपोर्ट करने की वजह से आपस में भिड़ जाते हैं। यह कहानी शुरू होती है 1748 में होता कुछ ऐसा है कि जो हैदराबाद का निजाम होता है, जो कि हैदराबाद का संस्थापक होता है, उसकी हो जाती है मृत्यु। उसकी मृत्यु के पश्चात उसका जो पुत्र होता है नासिर जंग और उसका पौत्र होता है मुजफ्फर जंग, इन दोनों के बीच में गद्दी को लेकर संघर्ष शुरू हो जाता है। ठीक इसी समय पे एक और घटना होती है। इस समय मराठा जो होते हैं चंदा साहब को कब्जा किए होते हैं और चंदा साहब को कर देते हैं आजाद। जैसे चंदा साहब को आजाद करते हैं तो कर्नाटक की गद्दी के लिए चंदा साहब और अनवरुद्दीन के बीच में युद्ध शुरू हो जाता है, अनवरुद्दीन के बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है। ये वही अनवरुद्दीन है कर्नाटक का नवाब है, जो कि प्रथम कर्नाटक वॉर के समय में फ्रांसीसियों के विरुद्ध इतनी लड़ाई लड़ी थी। अब देखो यहाँ पे आपको टोटल छह लोग दिखेंगे ठीक है। इसमें जो होता है पहली टीम में फ्रांसीसी होगी और दूसरी टीम में अंग्रेज होगी। तो जो फ्रांसीसियों की तरफ होंगे वो देख लेते हैं कौन है। देखो पहले फ्रांसीसी में सबसे पहले फ्रांसीसी आएगा, जिसमें डुबले होता है सबसे ऊपर, ठीक है ना। इसके बाद जो इसके अंडर जो जिसको ये सपोर्ट करता है, तो उसमें एक तो होते हैं चंदा साहब, जो कि कर्नाटक नवाब बनने के लिए अपने आप को संघर्षरत रखते हैं, और तीसरा जो होता है वो होता है मुजफ्फर जंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो फ्रांसीसी होते हैं चंदा साहब और मुजफ्फर जंग का सपोर्ट करते हैं। अब बाकी की जो पार्टी बची वो होते हैं अंग्रेजों के सपोर्ट में। तो अंग्रेजों के सपोर्ट में कौन से बचे, निजाम का पुत्र नासिर जंग और दूसरा जो होता है अनवरुद्दीन, जो कि कर्नाटक का नवाब होता है। अब इनके बीच में होता है संघर्ष। संघर्ष में जो जीतने की कहानी होती है वो फ्रांसीसियों का पलड़ा होता है भारी, वो जाते हैं जीत। ये होता कुछ ऐसा है कि 1749 में एक होता है अंबर का युद्ध। अंबर के युद्ध में ये होता है कि अनवरुद्दीन जो होता है वो मारा जाता है। और ठीक इसी प्रकार से एक 1950 में भी एक घटना घटती है जिसमें नासिर जंग जो होता है मारा जाता है। तो अनवरुद्दीन मारा गया 1749 में, तो फिर किसका पलड़ा भारी हुआ, फ्रांसीसियों का, क्योंकि फ्रांसीसी का वैसे सपोर्ट चंदा साहब को। और इसी तरह से दूसरी जगह पे जब नासिर जंग मारा जाता है 1950 में, तो गद्दी पे दावेदारी जिसकी ज्यादा हो जाती है वो हो जाता है नवाब निजाम का पौत्र मुजफ्फर जंग। इस तरीके से फ्रांसीसियों का पलड़ा जो होता है भारी हो जाता है। जब ये दोनों जीत जाते हैं तो चंदा साहब के द्वारा पांडिचेरी का क्षेत्र और मुजफ्फर जंग के द्वारा आसपास के हैदराबाद का क्षेत्र को वो व्यापार करने के लिए फ्रांसीसियों को ऐसा गिफ्ट दे दिया जाता है कि आप इसमें गिफ्ट व्यापार करिए, आपको शुल्क रहित व्यापार कह सकते हैं। व्यापार करने के लिए कोठिया पे बनाने की इजाजत दी जाती है। मुजफ्फर जंग के द्वारा मसूली पट्टनम का क्षेत्र व चंदा साहब के द्वारा पांडिचेरी के आसपास का क्षेत्र फ्रांसीसियों को व्यापार करने के लिए दे दिया जाता है। अब यहाँ पे व्यापारी और फ्रांसीसियों की जो स्थिति होती है वो तो काफी मजबूत हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद भी अंग्रेज जो होते हैं इससे युद्ध करने के लिए क्यों आते हैं, अब इस घटना को समझते हैं। अब इसके बाद होता यह है कि जो डुपले होता है फ्रांसीसी गवर्नर होता है, एक डुपले जो होता है बुस्सी के नेतृत्व में एक सैन्य टुकड़ी जो होता है उसको हैदराबाद में स्थापित कर देता है। अब यहाँ पे जब ये अपनी स्थिति मजबूत कर रहे हो हैदराबाद में, तो अंग्रेजों के द्वारा ये सहा नहीं जाता है। तो अंग्रेज क्या करते हैं कि उनका एक क्लर्क आता है, जो कलर की हैसियत आता है रॉबर्ट क्लाइव होता है कूटनीतिक, वो सीधा युद्ध नहीं लड़ता है। वो कहता है ठीक है तुम हैदराबाद पर कब्जा करो, हम करेंगे अलकाट पर। अलकाट का जो क्षेत्र है वो भी हैदराबाद में ही पड़ता है, तो वो क्या करता है अलकाट के क्षेत्र को घेर लेता है। तो इस तरह एक तरफ तो अंग्रेजों के द्वारा अलकाट पे कब्जा कर लिया जाता है, और दूसरी तरफ होता यह है कि तंजौर का जो सेनापति होता है ना वो चंदा साहब की हत्या कर देती है। इन दो घटना की वजह से जो फ्रांसीसियों की स्थिति होती है वो हो जाती है कमजोर, और यहीं पे एक और गड़बड़ हो जाती है फ्रांसीसी सरकार के द्वारा। फ्रांसीसी सरकार क्या करती है, डुपले को वापस बुला लेती है, और जब डुपले को वापस बुला लेती है तो डुपले तो क्लाइव टक्कर का कोई वहाँ पे नहीं रह जाता है, और डुपले की जगह पे जो अदर गवर्नर वहाँ पे आते हैं फ्रांसीसी वो उसकी तुलना में कमजोर पड़ते हैं। तो इस स्थिति में फ्रांसीसियों की तुलना में अंग्रेजों का जो पलड़ा होता है वो काफी भारी हो जाता है। तो इसी क्रम में एक संधि होती है, और उस संधि का नाम होता है पांडिचेरी की संधि, जो कि 1754 में होती है। तो देखो अभी पांडिचेरी की संधि जब 1754 में होती है, तो जो फ्रांसीसी और अंग्रेजों के बीच एक दूसरे के विरुद्ध गुट को सपोर्ट करना और आपस में संघर्ष करने की स्थिति को रोक दिया जाता है। यहाँ पे अंग्रेजों की जीत को लगभग स्वीकार कर लिया जाता है, मान लिया जाता है कि आपका अधिकार इस क्षेत्र पे फ्रांसीसियों द्वारा इस क्षेत्र पे अंग्रेजों के अधिकार को स्वीकार कर लिया जाता है। और जो पांडिचेरी की संधि होती है इसके तहत कर्नाटक का जो नवाब होता है मोहम्मद अली को अंग्रेजों के समर्थन से बनाया जाता है।
ये है आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध, जो कि 1749 से शुरू होता है और 1754 में पांडिचेरी की संधि के तहत समाप्त होता है। यहाँ पे एक पॉइंट जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम से हल्का रिलेटेड हो जाता है कि जो पहला कर्नाटक युद्ध हुआ था उसको एक्सलासोपेल की संधि के द्वारा समाप्त किया जाता है। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अगर आपको कोई कमी लगती है तो प्लीज़ कमेंट में बताएं, मैं उसको सुधारने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।